मेरी ये स्वामी जी के हमारो स्वामी करा हमारो आज सफर हलिया जब आइए हमारा समुदाय में एक ही काला मिर्गा था। आप ये बताइए जो हमारा पति ने क्या आपको बिगाड़ा, क्या खेत खरियान आपको खा गया? मिर्गे वो बेचारा हमारे साथ कोई कसूर नहीं किया, मैंने उसे शिकार समझकर निशाना लगा दिया, अनजाने में हमसे भूल हुई, क्षमा कर दो। नहीं, मैं आज आपको शराब देती हूँ, जो जिस तरह से मैं 700 मिर्गिनी रो रही हूँ, बिलख रही हूँ, उसी तरह से तुम्हारे माँ और बहन भी रोएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी माँ की वचन काट कर मैंने उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए आया था। 700 मिर्गिन में एक ही काला मिर्गा था जिसे मैंने मार दिया। यह मिर्गिन हमें शराब देती है, अब यह शराब से हमें तो मुक्त होना पड़ेगा। मिर्गिन, निकला हुआ शराब मुख से वापस नहीं जाता। मैं तो कसूरवार हूँ, मैं तुमसे क्षमा मांग रहा था, तू क्षमा ना देकर शराब दे दी, लेकिन अब तू ही बताओ ये पाप कैसे कटेगा, ये बता कर जाओ कम से कम। क्या इस बात को आप जानना चाहते हैं महाराज? बिल्कुल, ये पाप कटाने के लिए तो हमें जैसे तू कहेगी वैसे हमें करना होगा। आओ चलिए बाबा गुरु गोरखनाथ क्या ये पाप कटाने के लिए हमें गोरखपुर जाना होगा? ये गुरु गोरखनाथ की बात वही बताएंगे कि ये पाप कैसे कटेगा। हाँ, ठीक है, जा करके उनको सेवा कीजिए और तभी हमारे ये पति भी जिंदा होंगे, जीवित हो जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ,
चाहे समय जो भी लग जाए, जब तक तुम्हारी पति जिंदा ना हो जाए मैं लौट कर झूमरपुर नहीं जाऊंगा, मैं गोरखपुर जाऊंगा, मैं उनसे जाकर अर्जी करूंगा। ये पाप कटने का उपाय वही बताएंगे, अपना पति को ठिकाना लगाओ, ले जाओ। अरे बाप रे, आचारा दामाईना माना राना, आके तो असमाने चरण ना हो पावने, आदो मेरे हो वे हो करदाई, जाओ अपने पति का हाथ का ठिकाना लगाओ, जाओ। आई भराला पाखारी हो ले रे, लेकिन नाम तो खाली खाली हो जाता है। आए तो माना मंत्री साहब, ये अपने पति के बिना में पागल हो गई, आइए पागल बन चुकी है। मंत्री साहब, हाँ, ये सासु मिर्गी हमें शराब देकर चली गई, अब ये शराब कटाने के लिए हमें गोरखपुर जाना होगा। मेरा कलेजा तो टूट गया, आखिर माँ जो वचन देकर हमें भेजी थी वह वचन चरने का यही सजा है। मंत्री साहब, पहले आपकी माँ मना की थी उत्तराखंड आ जाने के लिए, माता पिता का वचन जो बच्चा कर देता है आगे चल के खतरा में डूब जाता है। मंत्री साहब, अब मैं सोचता हूँ
कि हमारी माँ मैनावती छुमनपुर में अकेली कैसे रहेगी। मैं अपना मुसीबत कटाने के लिए गोरखपुर जा रहा हूं। माँ का वचन काट कर उत्तराखंड आए शिकार खेलने के लिए। हाँ मंत्री साहब, जानती थी उत्तराखंड जाने से कोई न कोई मुसीबत जरूर होगा, इसीलिए रोक लगाई थी। लेकिन आप बात को टाल दिए, मैं भी आपकी रोक लगाया, आप मेरी भी बात को टाल दिए। उत्तराखंड आने का नतीजा, अब गोरखपुर जाइए, गोरखपुर बाबा का सेवा कीजिएगा। अब कितना दिन में अपराध दूर करते हैं वही जानते हैं। मंत्री साहब, जब तक मैं छुमनपुर में लौट कर ना आऊं, वो राज ये आप चलाएंगे। और ये सब बात जो है हमारी माँ की कानों तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो माँ हमारी शेर पटक पटक कर जान दे देगी। मैं वादा करता हूँ जितना जल्द से जल्द हो लौट कर आऊंगा, जरूर आऊंगा। आप जाइए, मैं यहाँ से गोरखपुर जा रहा हूँ, ठीक है? Thank you.
अब मैं चलता हूँ, हमें गोरखपुर जाना है, बाबा गुरु गोरखनाथ से मुलाकात करना है, वही हमें बताएंगे ये पाप कैसे कटेगा। यहाँ तो बिल्कुल सुनसान लग रहा है, मंदिर को किमार लगा हुआ है, लग रहा है बाबा सोए हुए हैं। ये जब तक मंदिर को किमार खुलेगा नहीं, मैं बाबा से कैसे मुलाकात करूंगा। यहाँ ना कोई नौकर दिखाई दे रहे, ना कोई उनका चेला है, मैं किसे दुखड़ा सुनाऊं। आवाज लगाता हूँ, आवाज उनका कानों तक पहुंचेगा तो ये किवाड़ जरूर खुलेगा। बजरा हो बाबा की Thank you.
शाबाश, लग रहा है गहरी नींद में सोए हुए हैं। यह मंदिर को किवाड़ तो खुल गया, मैं अंदर जाकर उन्हें जगाता हूँ, सेवा करके जगाऊंगा और ये अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। प्रमोद चौकदार साहब, आप मैं ही आपको सेवा करके जगाया हूँ। मैं एक मुसीबत लेकर आपके सामने आया हूँ बाबा। क्या राजन? हाँ बाबा। अरे राजा होकर के और क्या तुम्हें मुसीबत पड़ गया? जय आधी रात में बाबा, मैं राजा था लेकिन अभी राजा नहीं। मैं एक भिखारी बनकर आपसे अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आया हूँ। क्या दुखड़ा है बाबा? आपका इजाजत हो तो मैं कह सुनाऊं? तो ठीक है, आप गौर करेंगे मैं कैसी मुसीबत लेकर आया हूँ। Thank you.
कई हो सा कई हो बाबा। मैंने उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए गया था। अच्छा 600 मिर्गी में एक ही काला मिर्गा था। अचानक मैंने शिकार समझकर उस पर अपना बांध चला दिया, वो मिर्गा को मौत हो गया। बाबा वो 600 मिर्गी मिलकर हमें शराब दे दी। मैंने उसे पूछा कि हे मिर्गिन, ये शराब से मैं कैसे मुक्त हूंगा? वो ने कही इसका उपाय बाबा गुरु गोरखनाथ बताएंगे, इसीलिए मैं आपको पास आया हूं। बाबा ये पाप कटने का उपाय आप ही बता सकते हैं। तुमने ये 700 मिर्गी में ये काला मिर्गा मैंने छोड़ा था। हाँ बाबा, ओ मिर्गा को मार के और तुमने अपराध कटाने के लिए आए हो यहाँ। हाँ बाबा, ये कुतिया से अलग कर। अपराधी ये नहीं बाबा, आप यहाँ से धक्के मार कर मत भगाइए, मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं। बाबा आप जरूर कोई उपाय बताएंगे, मैं बहुत आशा लेकर ही आपके पास आया हूँ। क्या तुम ये अपराध कटाना चाहते हो? हाँ बाबा, तो उपाय है। वह कैसी उपाय है बताइए बाबा। कटेगा अपराध, कटेगा। कैसे कटेगा? जो मैं कहूंगा वो करना होगा। बाबा ये अपराध कटाने के लिए आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा, क्योंकि अपराध लेकर मैं अपने झुमरपुर शहर में वापस नहीं जाऊंगा। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। कहिए बाबा।